हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आराध्या अर्पित एंड मामास किचन। मेरे पास रात के ही दो आलू बचे हुए थे तो इसलिए मैंने सोचा इसी से बना देती हूँ आलू वाली सैंडविच। तो इसके लिए हम एक प्याज लेंगे और उसको छील लेंगे और हम उसको कट करेंगे लंबे स्लाइसों में। और आलू को भी जल्दी से छील लेंगे और अब गैस करेंगे ऑन और उस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। और कढ़ाई गर्म जब तक होती है बनाना छील के काट लेंगे बनाना सेट के लिए, क्योंकि कट करके बनाने से ना उसमें वो गांठे नहीं रहती है, पीसेस नहीं रहते हैं। और अब डालेंगे कढ़ाई में ऑयल बिल्कुल जरा सा, आप देख सकते हैं। और तब तक बना लेंगे बच्चों के लिए बनाना शेक। डालने के बाद डालेंगे चीनी। अगर आपको ड्राई फ्रूट डालना है तो इसी टाइम ड्राई फ्रूट डाल दें। और चीनी और बनाना को केले को पहले चला लें एक बार। पहले एक बार चला लेने से इसमें गांठे टुकड़े नहीं रहती है, ये अच्छे से मिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे दूध और एक बार फिर से मिक्सी में चला लेंगे। बनाना शेक तैयार है और तेल गर्म हो चुका है तो हम डालेंगे इसमें एक चुटकी जीरा, वो जो हमने प्याज काट के रखा था वो, और थोड़ी देर इसको सुनहरा होने तक भूनेंगे। तब तक आलू को मैस लेंगे। और प्याज सुनहरा हो गया है तो हम इसमें डालेंगे आलू। और आपके पास रात के आलू नहीं है तो आप सुबह सुबह भी आलू चढ़ा सकते हैं, बाद में उसी आलू में से जो आलू बचेंगे उसकी सब्जी बना लेना। मैंने तो दो आलू को फ्राई किया और सफिशियंट है दोनों बच्चों के लिए और उसके पापा के लिए भी सुबह नाश्ते के लिए। जब तक आप फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, झाड़ू लगाएंगे घर में, तब तक तो आलू बॉयल हो ही जाएगा। जब तक आलू भून रहा है तब तक इधर चढ़ाऊंगी मैं तवा। और निकाल लूंगी ब्रेड और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अगर आपके बच्चे मिर्ची खाते हैं तो आप फोरन देने टाइम उसमें दे सकते हैं, छौंका मारने टाइम दे सकते हैं उसमें मिर्ची भी। आलू भुन गया तो हम कर देंगे गैस बंद। तब तक हम ब्रेड को इधर सेक लेंगे। घी डाल के, अगर आपके पास बटर है तो आप बटर डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी लगाती हूँ बच्चों के। और इसमें अब डालेंगे आलू और इसको दूसरी ब्रेड से कवर करेंगे। अगर आपके पास टोस्टर है तो आप उसमें कर सकते हैं, मेरे पास टोस्टर नहीं है इसलिए मैंने तवे पर की। मैंने पीहू के भी छोटी बना दिए हैं, यकीन मानो ये छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है और जल्दी में बन भी जाता है, तो आप भी ट्राई करो प्लीज़।